कोरोना वायरस के खिलाफ जहां पूरे देश में लॉकडाउन कर अपने अपने घरों में रहकर लोग इस महामारी के खिलाफ सरकार व प्रशासन का साथ दे रहे हैं, वहीं नगर परिषद मंडी ने अग्निशमन विभाग के साथ मिलकर मंडी शहर को पूरी तरह सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। इस मुहिम के तहत नगर परिषद व अग्निशमन विभाग के कर्मचारी डोर टू डोर जाकर हर घर को सैनिटाइज करने का प्रयास भी कर रहे हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने बताया कि नगर परिषद मंडी शहर को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक कर सावधानियां बरतने पर भी सचेत किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने के लिए शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गौ सदन तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए गौ सदन को राशि भी उपलब्ध करवाई जा रही है। जहाँ तक आपने सैनिटाइजेशन की बात बोला है, अभी दो दिन पहले भी हमने फायर और कमेटी मिलकर सारा इसको कर दिया है। पूरे शहर को हमने दो या तीन बार कर चुके हैं और अभी भी हमारा वार्डों में लगे हैं। जहाँ तक हमारा आपका क्वारंटाइन वाला सेंटर है, जैसा गुरुद्वारा है, वहाँ हम रोज ही करते रहते हैं और इनकी कोई भी गाड़ियाँ जब बाहर अगर किसी इनको ले जाते हैं बाहर वालों को, उनको सैनिटाइज कर रहे हैं और हम हर वार्ड में हम लोग रोज का रोज उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। और जहाँ तक आपका डोर टू डोर है, ये भी हमारा रोज का रोज उठ रहा है और सारा काम हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। और जो आवारा पशु घूमे, जहां तक आपने बेसारा पशुओं की बोला है, इन पशुओं को हमने 33 पशुओं को हमने गौ सदन भेज दिया गया है। मेंगल में लगभग हमने उनको 50,000 रुपये दे दिया है और जो बचावा जो और पैसा है उनको भी दे देंगे। आज हमने उनसे भी बोल दिया है, आपका नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी को भी, जो भी इनके रोड के पास है उनको भी वो गाय हटा दें।